हे गाइस, क्या हालचाल। अगर आप भी मेरी तरह लो बजट में आने वाले 800 से 1000 रुपए में बर्ड्स खरीद खरीद के परेशान हो चुके हो, ये चलते हैं कुछ दिन और हमारे पास में पड़े रहते हैं पूरे के पूरे 100 दिन। Once more! तो इन सब की छुट्टी करने के लिए मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ लो बजट में आने वाले बोल्ट ऑडियो की तरफ से W40 TWS से, जिनकी प्राइस है 1399। और सबसे मजेदार चीज, इसमें 1.5 साल के लिए आपको वारंटी भी देखने को मिलेगी। तो इन TWS के बारे में फुल डिटेल से बताऊंगा, ये TWS कॉलिंग के लिए, गेमिंग के लिए, ओवरऑल कैसे हैं। ओवरऑल देखने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं बॉक्स में क्या क्या एक्सेसरीज देखने को मिलती है। अपने पास में रेड कलर है और भाई इसका रेड कलर तो काफी ज्यादा यूनिक है, बोल्ट ऑडियो W40 और नीचे मेड इन इंडिया। और बैक साइड के अंदर आपको कुछ हाईलाइट फीचर्स मिलते हैं, लो लेटेंसी गेम, 13mm ड्राइवर और डुअल मास्टर क्वाड माइक, ENC और ब्लूटूथ 5.3। तो फटाफट से अनबॉक्सिंग कर ली जाए। सबसे पहले आपको यहाँ पर बोल्ट की देखने को मिलेगी, जिसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंटेशन और गाइड की पुस्तकें वगैरह देखने को मिलती है। इनको रखते हैं साइड में और यहाँ पर आपको बर्ड्स केस देखने को मिलता है। इसी के साथ में आपको एसेसरीज, जिसके अंदर आपको डेटा केबल और कुछ कानों को कस्टमाइज करने के लिए यहाँ पर आपको बिट्स भी मिल जाते हैं, जिनको आप कान के अकॉर्डिंग छोटा बड़ा करके एकदम फिटिंग वगैरह एडजस्ट कर सकते हो। तो जैसे कि गाइज मैंने आपको बताया था, इस बर्ड्स के साथ में आपको वारंटी मिलती है 12 मंथ की, लेकिन 3 मंथ की एक्सटेंड कर सकते हो, यानी कि 1.5 मंथ आप इसमें वारंटी का फायदा उठा सकते हो। उसके लिए आपको बॉक्स में मिलता है ये स्कैनर कोड, तो इसको आपको है जो स्कैन करना होता है, फिर आपको अपनी डिटेल वगैरह और बर्ड्स की डिटेल डालनी होती है, तो इस तरीके से आप 15 मंथ की वारंटी का मजा ले सकते हो। तो फाइनली बात करते हैं बर्ड्स के केस के लुक की। अपने पास में रेड कलर है और इसमें आपको 4 कलर देखने को मिलेंगे, व्हाइट, डेनिम ब्लू और बेरी रेड अपने पास में है, और इसमें तीसरा चौथा कलर आता है खाकी ग्रीन। चारों ही कलर मजेदार है, लेकिन मेरा फेवरेट कलर इसमें रेड लगा, क्योंकि जो इसका रेड और अंदर की तरफ ब्लैक कॉम्बिनेशन है ना, वो इसके लुक को और भी ज्यादा मजेदार बनाता है। सबसे मजेदार चीज बताता हूँ, यहाँ पर जब आप इसको हाथ में पकड़ोगे तो यूं लगेगा भाई जैसे बिल्कुल पूरा रबड़ की तरफ से बना हुआ है, जैसे रबराइज फील होगा, लेकिन ये पॉलीकार्बोनेट बॉडी से तो बना हुआ है ही। लेकिन इसके अंदर आपको है जो टेक्सचर्स की डिजाइन वगैरह देखने को मिलती है, बिल्कुल मैट फिनिशिंग के साथ में। स्क्रेचेस वगैरह तो बहुत ही कम होंगे, क्योंकि मैं इसको 4 से 5 दिन यूज कर रहा हूँ, काफी ज्यादा ग्लोसी नहीं है, हल्का फुल्का यहाँ पर ग्लोसी फील होता है, लेकिन स्क्रेचेस तो बहुत कम देखने को मिलेंगे। और ये जो रेड वाला कलर है वो काफी ज्यादा यूनिक लगा है, इसको जैसे ही ओपन करोगे तो आपको अंदर ब्लैक ग्लोसी फील के साथ में है जो मिलेगा, और उसी के साथ में आपको यहाँ पर मैग्नेट भी मिलता है, जैसे ही बर्ड्स को आप अंदर डालते हो तो काफी मैग्नेट की तरफ से चिपक जाते हैं। एक मजेदार चीज, जैसे यहाँ पर बर्ड्स डाले हुए हैं और यहाँ पर मैंने इसका ओपन करके रखा है, और कितना भी हिला लो भाई, बर्ड्स वगैरह है वो अंदर की तरफ से बाहर नहीं गिरेंगे। ओवरऑल इसकी क्वालिटी तो मुझे काफी बेटर लगी है, ओपन करने पर भी देख सकते हो यहाँ पर आसानी से ओपन हो जाते हैं, 1 हैंडेड भी आप इसको आराम से यूज कर सकते हो। और इसके अगर पोर्ट्स एंड बटन की बात करूँ तो केस के ऊपर आपको कोई भी बटन वगैरह तो देखने को नहीं मिलता है। नीचे की साइड में इसको चार्ज करने के लिए टाइप सी USB पोर्ट मिलता है और इसको आप काफी फास्ट चार्ज भी कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपको बीच में बोल्ट की ब्रांडिंग और उसके ऊपर आपको सेंट्रल लाइट मिलती है, जैसे ही इन बर्ड्स को चार्ज वगैरह अंदर डालते हो तो यहाँ पर आपको चार्जिंग के तरफ से लाइट ऑन होती हुई दिखाई देगी, जैसे ही इसको चार्ज करोगे तो पता रहेगा कि ये चार्ज हो रहे हैं, तो उसके लिए कुछ काफी साइन के लिए ये लाइट सही है। ओवरऑल गाइज लुक्स और डिजाइन में तो ये बर्ड्स की क्वालिटी काफी सही लगी है, काफी लाइट वेट है और भाई इनकी साइज काफी छोटी है, जैसे कि देख सकते हो हाथ में पूरे के पूरे समा चुके हैं। अगर आप पॉकेट वगैरह में कैरी करते हो तो आसानी से कर सकते हो, ज्यादा लाइट वेट है। गाइज अब बात करते हैं बर्ड्स की, तो काफी साइज इनकी छोटी है और कानों में भी अच्छी तरीके से एकदम फिट हो जाते हैं। इनको लगाकर मैंने रनिंग वगैरह जिम में भी यूज किया तो आराम से यूज हो जाते हैं। और भी यहाँ पर काफी सारे बर्ड्स में क्या होता है, लो बजट में हम जो बर्ड्स खरीदते हैं तो भाई उनका जो गिरने का डर वगैरह रहता है, लेकिन इनकी फिटिंग तो भाई काफी ज्यादा ऑसम लगी मुझे, और इनकी साइज है वो भी काफी ज्यादा यूनिक है। जैसे कि यहाँ पर आपको इन दोनों के ऊपर ये बोल्ट की ऑडियो की है जो ब्रांडिंग देखने को मिलती है, और इसमें आपको क्वाड माइक 4 माइक देखने को मिलेंगे, जिसमें अगर आप कॉलिंग वगैरह करते हो तो आराम से कर पाओगे। अगर आप आउटडोर में हो जहाँ पर शोर शराबा हो रहा है तो कॉलिंग के टाइम पर और गेमिंग के टाइम पर इसमें आप एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन को भी ऑन कर सकते हो। तो इनको लगाकर जब मैंने जवान मूवी देखी तो भाई मजा ही आ गया। रियली गाइस इसकी साउंड क्वालिटी तो काफी ज्यादा बेटर है, एकदम क्लियर और लाउडनेस के साथ में आपको फील होगा। इसके अंदर आपको 13mm के ड्राइवर्स मिलते हैं, जिसकी वजह से साउंड क्वालिटी तो और भी ज्यादा मजेदार है। जब मैंने इसमें गेमिंग करके देखा तो आसानी से पता चल जाएगा एनिमी लेफ्ट से आ रहा है या राइट से, क्योंकि इसमें आपको 45mm की लो लेटेंसी साउंड मिलता है,
और एक मजेदार चीज, अगर आप इसको आउटडोर में यूज करते हो भाई, बारिश वारिश आ गई या फिर पानी के छिट्टे उट्टे लग जाते हैं, क्योंकि इसमें आपको IPX5 की वाटर रेसिस्टेंट मिलती है, जो इसको केस को और इसके एयरबड्स वगैरह को इनको पानी के लगने से, छिट्टे विट्टे लगने से भी बचा लेगा। और इसमें ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट मिलता है, जिसकी वजह से है जो कनेक्टिविटी है वो भी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इन बड्स के अंदर आपको है जो फुल टच कंट्रोल मिलता है, जैसे कि अगर सिंगल टैप करते हो तो यहाँ पर प्ले सॉन्ग है जो प्ले पॉज वगैरह हो जाता है, और इसी तरीके से अगर आप इसके ऊपर ट्रिपल बार टैप करोगे राइट वाले बड्स के ऊपर 1, 2, 3, तो इस तरीके से आप इसमें वॉल्यूम को बढ़ा सकते हो, और लेफ्ट वाले में ट्रिपल बार टैप करते हो जैसे कि 1, 2, 3, तो इसमें जो वॉल्यूम है वो डाउन कर पाओगे। और इसी तरीके से अगर आप डबल बार टैप करते हो तो यहाँ पर सॉन्ग है जो नेक्स्ट वगैरह प्रीव्यूज वगैरह कर सकते हो। तो गाइज फाइनल रिव्यू की बात करूँ तो इनकी प्राइस है 1399 रुपये, जिनके अंदर आपको ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं भाई। तो रियली गाइज इस प्राइस सेगमेंट में तो ये वाले बड्स काफी ज्यादा सही है, अगर आप गेमिंग वगैरह करने के लिए भी खरीदना चाहते हो तो बिल्कुल इनको खरीद सकते हो। कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और इनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो ये वहां से भी आप डायरेक्टली जाकर खरीद सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज।